उत्तराखंड को धोखा देकर निकल गया बॉलीवुड का खिलाड़ी। उत्तराखंड में पिक्चर बनाई, झांकी हिमाचल को सजाई। उत्तराखंड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर बरसाया प्यार, बेवफा निकला अक्षय कुमार। सीएम धामी ने पहनाई पहाड़ी टोपी, लेकिन पहाड़ को ही टोपी पहनाकर निकल लिया खिलाड़ी। न हम अमिताभ, न दिलीप कुमार, न किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय रुकिए जरा, ये तो उस गाने की लाइनें हैं ना जिसमें अक्षय बाबू बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड को खिलाड़ी भैया गच्चा दे गए हैं। सीएम धामी ने अक्षय का इतना प्यार से स्वागत किया, पहाड़ी टोपी पहनाई, लेकिन उनको क्या पता था माया नगरी का ये खिलाड़ी पहाड़ को ही टोपी पहना कर निकल लेगा। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार किसी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अपना पॉजिटिव प्रचार चाहती है। उत्तराखंड सरकार ने शूटिंग करने आए अभिनेता अक्षय कुमार को उनके फिल्म कठपुतली में ढेरों सुविधाएं देकर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। जब अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली रिलीज हुई तो उसमें से उत्तराखंड का नाम ही गायब था। अक्षय कुमार की बेवफाई से उत्तराखंड के लोग नाराज हैं। अक्षय कुमार का उत्तराखंड का शेड्यूल लगभग 20 से ज्यादा दिनों का था। वो यहाँ की खूबसूरत वादियों में शूटिंग कर रहे थे। कठपुतली एक सस्पेंस फिल्म थी, हाल ही में इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, लेकिन जैसे ही फिल्म उत्तराखंड के लोगों ने देखी तो देखा कि देहरादून की खूबसूरत वादियाँ, मसूरी की ठंडी सड़कें, होटल और खूबसूरत झरनों के साथ साथ यहाँ के वातावरण को बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म निर्माता ने पर्दे पर पेश किया। फिल्म जब से शुरू होती है और जब खत्म होती है तो उत्तराखंड का उसमें जिक्र तक नहीं होता, जबकि फिल्म की 80% शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। हैरानी तो तब होती है जब उत्तराखंड में हुई फिल्म की शूटिंग और सारा का सारा क्रेडिट हिमाचल को चला जाता है। देहरादून का नाम हिमाचल के कसौली से हो जाता है और मसूरी कसौली की खूबसूरत वादियों में तब्दील हो जाती है। ये उत्तराखंड के साथ भेदभाव नहीं तो और क्या है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये उस अभिनेता की फिल्म में होता है जो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। फिल्म की कास्टिंग हो या डायलॉग, कहीं भी फिल्म में उत्तराखंड, मसूरी या देहरादून का जिक्र तक नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तराखंड फिल्म परिषद इस पूरे मामले पर क्यों ध्यान नहीं दे पाई। उत्तराखंड में हो रही तमाम फिल्मों की शूटिंग में राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, सुविधाएं दे रही है, बावजूद इसके अगर फिल्म में उत्तराखंड की ही ब्रांडिंग नहीं होगी तो भला ऐसे ब्रांड एम्बेसडर का क्या फायदा। आइए अब आपको बताते हैं उन ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जिसे उत्तराखंड ने इतना प्यार दिया लेकिन लगभग सभी बेवफा निकले। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 2010 में उत्तराखंड टाइगर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हेमा मालिनी को 2010 में स्पर्श गंगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेटर विराट कोहली को 2015 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को 2021 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत को 2022 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अभिनेता अक्षय कुमार को 2022 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पहले महेंद्र सिंह धोनी, उसके बाद अक्षय कुमार और अब ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। हालांकि इन सब के बीच हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया भी उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वंदना कटारिया को छोड़ दे तो तमाम जो ब्रांड एम्बेसडर अब तक बने हैं उन्होंने राज्य के लिए क्या कुछ किया है, ये ना तो गूगल बता पा रहा है और ना ही सरकार में बैठे अधिकारी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से राज्य को क्या फायदा मिल रहा है। ये सिर्फ जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं उस दिन तो खबरों की सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो उनके मुंह से उत्तराखंड के लिए कोई शब्द निकलता है और ना ही ये फिर कभी उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं।